वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप कभी भी अगर ट्रेन में तत्काल टिकट करते हैं तो आप तीन सिचुएशंस फेस करते हैं। पहला है कि अगर आप ट्रेन तत्काल टिकट करते हैं तो आपको कब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होता है कि आपका टिकट कंफर्म ना हो, यानी वेटिंग लिस्ट या RAC लग जाता है। और जो दूसरा सिचुएशन है कि आप ट्रेन टिकट करवाते हैं तत्काल में, वो भी ब्रोकर के थ्रू, यानी कि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और जो तीसरा सिचुएशन है वो है कि आपको रात से जाके सुबह तक रेलवे स्टेशन में क्यू में खड़ा होना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो उसकी वजह से आप कंफर्म टिकट ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेकिन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो मैं उसको चलता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे जब जाएंगे वहीं से आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा, तत्काल फॉर श्योर। जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा ये। तो वहाँ से आपको करना क्या होगा, आपको क्लिक करना होगा गेट तत्काल बुकिंग टूर। उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो एक अलग टैब ओपन हो जाएगा। तो जब इस पेज पे आप आ जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा और उसके बाद आपका पासवर्ड एंटर करना होगा। उसके बाद आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे चेक होगा, तो उसके बाद आपको पूछेगा टिकट का जो एक्सटेंशन होता है वो ऐड करने के लिए। तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये ऐड हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया ये। तो एक अलग सा विंडो ओपन हो गया। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्ट बुकिंग नाउ पे क्लिक करना होगा। तो एक एम्प्टी विंडो ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऊपर दिखाएगा, देखिए तत्काल फॉर श्योर ई ट्रेन ऑटो तत्काल बुकिंग। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जनरेट टिकट करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको ये वाला विंडो आएगा। तो यहाँ पे आपको क्रिएट ए न्यू ट्रिप करना होगा और ऊपर में IRCTC लॉगिन है, उसके ऊपर लॉगिन करना होगा। तो नीचे आएगा ऑप्शन कुछ, तो बाय क्लिकिंग एग्री एंड कंटिन्यू करके IRCTC लॉगिन करना होगा। तो नीचे देखिए IRCTC लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जब आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे वहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो आपका रूट पूछेगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक ट्रेन बुक करना चाहते हैं। तो मैं दे देता हूँ भुवनेश्वर से बेंगलोर VBS to SBC। और आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना होगा, कौन से डेट के लिए आप करना चाहते हैं। तो मैं 18 तारीख को सिलेक्ट किया। तो ट्रेन नंबर पूछ रहा है, तो इसको आपको एंटर वैल्यू मैन्युअली करना है और आपको ट्रेन नंबर सर्च करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हमसफ़र एक्सप्रेस में जाऊँगा, तो हमसफ़र का ले लेता हूँ, भुवनेश्वर टू बेंगलोर हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन नंबर। तो देखिए ये आ गया। तो यहाँ पे ट्रेन नंबर लिखा है 22833। उसके बाद आपको वहाँ पे जाके लिख लेना है 22833 833। उसके बाद आपको अपना बर्थ का क्लास सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप तत्काल कर सकते हैं, जनरल टिकट भी कर सकते हैं और प्रीमियम तत्काल भी कर सकते हैं। तो मैं तत्काल का ऑप्शन देता हूँ, बोर्डिंग स्टेशन भुवनेश्वर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपका पैसेंजर जो जो जानना चाहते हैं उनका नाम लिखना होगा। तो मैं लिख लेता हूँ मेरा नाम।
और आपको जेंडर एज सब सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपका प्रिफर्ड बर्थ सिलेक्ट करना होगा, मेल पे नो कर लेता हूँ मैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका पेमेंट मेथड के लिए पूछेगा, आप चाहे तो इस टाइम पे कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको स्किप कर देना होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पेमेंट मेथड यानी डेबिट कार्ड में पे करना चाहते हैं, या क्रेडिट कार्ड में, या यूपीआई में, या नेट बैंकिंग में, जो भी मेथड से पे करना चाहते हैं तो वो पहले से ऐड करके रख लीजिए, ताकि आप जब टिकट करेंगे उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे ऐसा कुछ पेज आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप टिकट करना चाहते हैं तो आपका जो IRCTC में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए होता है वो 10 बजे होता है और 11 बजे होता है सुबह के। तो अगर आपका 10 बजे करना होगा तो आप 9:58 को आपको इस पेज में आना होगा, यहाँ पे जाके तत्काल फॉर श्योर से आना होगा। तो यहीं पे आपको ऑप्शन दिखाएगा कि ये वाला बुक नाउ, तो जैसे ही आप ये बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली IRCTC पेज में ले जाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ आपको कैप्चा भरना है, उसके बाद आपको लॉगिन कर देना होगा। देखिए ऑटोमेटिकली वो ले जा रहा है, सिर्फ आपको कैप्चा भर देना है। कैप्चा भर के साइन इन कर देना है, तो आपका ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया। देखिए तो अभी दिखा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अभी 12 बज चुका है। तो आप जब 10 बजे या 11 बजे करते हैं तो आपको डायरेक्टली तत्काल बुकिंग पे ले आएगा, और आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।